काले रंग के रेशम और सोने से तैयार किया जाता है। गिलाफ हर साल हज के मौके पर तब्दील किया जाता है। पुराने गिलाफ के टुकड़े आजकल पूरी दुनिया में तोहफे के तौर पर भेज दिए जाते हैं। आज का उन्वान है, सारे सनम मिसमार कर। दुनिया में बुत परस्ती की तारीख बहुत पुरानी है। अल्लाह के नबी हर जमाने में लोगों को हिदायत देते रहे और एक खुदा की इबादत करने की तलकीन करते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग सीधा रास्ता छोड़कर शिर्क और बुत परस्ती अपनाते रहे। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम की वफात पर शीस और उनकी औलाद ने उन्हें एक गार में दफन कर दिया। अल्लाह के नबी शीस की औलाद अपने दादा की कब्र पर जाकर उन्हें याद करती थी। काबील के बेटे हनूक बिन काबील ने अपने भाइयों से कहा, शीस की औलाद के पास आदम की कब्र है जहां वो अपने दादा की याद में जाते हैं, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हनूक ने अपने खानदान के लिए लकड़ी से एक बुत तराशा ताकि वो आदम की याद में उस बुत के पास जा सके। इस तरह हनूक बिन काबील ने पहला बुत तराशा। सदियां गुजरने के बाद इंसानी आबादी और नस्ल बढ़ती गई। उस जमाने में इंसानी उम्र भी सैकड़ों साल हुआ करती थी। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नसर बड़े नेक लोग थे, जो बारी बारी एक महीने के अंदर वफात पा गए। उन नेक लोगों की वफात से उनकी कौम बहुत गमगीन थी। काबील के एक बेटे ने उन लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्यारों के चले जाने से बहुत गमजदा हो, क्यों ना मैं तुम्हें उनकी तस्वीरें बना दूं, जिन्हें देखकर तुम खुश हो जाओ। उसने उन पांच लोगों की तस्वीरें बना दी और उन्हें जगह जगह रख दिया। लोग उन लकड़ी पर बनी हुई तस्वीरों के पास जाते और अपने रिश्तेदारों को याद करते थे। ऐसा कई नस्लों तक होता रहा। लोग अपने बुजुर्गों और रिश्तेदारों को इज्जत और मोहब्बत से याद करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उनकी इबादत करना शुरू कर दी। ये कौम काबील की औलाद थी। अल्लाह करीम ने अपने नबी इदरीस को उस कौम की तरफ भेजा। इदरीस ने उन लोगों को समझाया, तुम इन तस्वीरों यानी बुतों की इबादत ना करो, ऐसा करना शिर्क है। उस कौम ने इदरीस की बात ना मानी। अल्लाह के नबी नूह के आने तक लोग बुतों की इबादत में बहुत सख्त हो चुके थे। नूह ने अल्लाह का हुक्म मानने वालों को अपनी कश्ती में सवार किया। उस वक्त नूह की उम्र 600 साल थी। जब अल्लाह का दीन मानने वाले कश्ती में सवार हो गए तो पानी के सैलाब और बारिश के अजाब ने उनकी कौम को आ लिया। उस पानी ने सारी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब नूह में पहाड़ों पर रखे हुए लकड़ी के तख्ते जिन पर तस्वीरें बनी हुई थी और लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी थी, पानी में बह गए। पानी की लहरें उन्हें इधर उधर ले जाती रहीं। जब पानी उतरा तो ये तख्ते जद्दा के करीब साहिल पर रुक गए और सदियों वहीं पड़े रहे। जमाने की तब्दीलियों और तूफान में ये तस्वीरों वाले लकड़ी के तख्ते रेत और मट्टी के अंदर दब गए। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने भी लोगों को हिदायत की राह दिखाने का काम बेहतरीन सूरत में अंजाम दिया। एक ऐसी जगह अपनी औलाद को बसाया जहां कोई खेती बाड़ी नहीं थी। इब्राहिम ने इस्माईल के साथ मिलकर अल्लाह करीम की इबादत के लिए एक घर बनाया, जिसे हम बैतुल्ला या काबा कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी कौम फैलती गई और मक्का से दूर इलाकों में भी जा बसी। वो लोग जाते हुए काबा से मोहब्बत के इजहार में काबा के पत्थर बरकत के लिए अपने साथ ले गए। अपने शहरों और घरों में रखकर उन पत्थरों का तवाफ करने लगे, जैसे वो बैतुल्ला का तवाफ करते थे। इसी ने वक्त के साथ साथ बुत परस्ती की शक्ल इख्तियार कर ली। उन्होंने पत्थरों, बुतों और तस्वीरों की इबादत शुरू कर दी।
अल्लाह के नबी इब्राहिम का दीन भूल गए, तौहीद के मानने वाले मुशरिक बन गए। बनी इस्माइल में सबसे पहले बुत परस्ती करने वाले का नाम हजील बिन मदरका था। मक्का में बनी जुरहम कबीले की हुकूमत थी। बनी खुजा के आमर बिन लुहई ने बनी इस्माइल के साथ मिलकर बनी जुरहम को शिकस्त दी और उन्हें मक्का से निकाल दिया। इस तरह आमर बिन लुहई काबा का मुतवल्ली बन गया। कुछ अरसा गुजरने के बाद अमर को एक बीमारी ने आ लिया। उसे मशवरा दिया गया कि मुल्क शाम में बलका के मकाम पर एक गर्म चश्मा है, अगर तुम वहां जाकर गुसल करो तो तुम्हें इस बीमारी से नजात मिल सकती है। अमर मुल्क शाम गया और उस चश्मे से गुसल के बाद वो वाकई तंदुरुस्त हो गया। उसने देखा कि बलका यानी मुल्क शाम के लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं। ये सब अमर के लिए नया था। वो बुतों को और लोगों को उनकी इबादत करते हुए गौर से देखता रहा। अमर ने उनसे कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बुत क्या हैं? उसे बताया गया, ये हमारे खुदा हैं और हम इनकी इबादत करते हैं। हम इनके जरिए बारिश मांगते हैं और दुश्मनों पर फतह हासिल करते हैं। अमर बिन लुहई को ये सब बहुत अच्छा और आसान लगा। उसने वहां रहने वाले लोगों से कहा, क्या मुझे भी कुछ बुत मिल सकते हैं? जवाब में उसे कुछ बुत दे दिए गए। वो इन बुतों को बड़े एहतराम के साथ मक्का ले आया और काबा में जगह जगह रख दिए। यूं अहले अरब में बुत परस्ती का दौर शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अमर बिन लुहई अरब में सबसे ज्यादा मोतबर बन गया। वो जो भी कहता था उसे दीन समझा जाता था। उसने अपनी जिंदगी बुत परस्ती फैलाने में लगा दी। उसे कोई नई शक्ल वाला बुत मिलता, वो उसे उठाकर काबा में ले आता था। अमर बिन लुहई के पास एक जिन भी था जिसका नाम अबू समामा था। अबू समामा जिन ने अमर को उन लकड़ी के तख्तों पर बनी तस्वीरों यानी बुतों के बारे में बताया, उस जगह की निशानदेही की और कहा, ये बुत तुम्हारे लिए इज्जत सुकून और हुकूमत लाएंगे। इन्हें मिट्टी से निकाल लाओ। ये बुत हर मुश्किल और बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेंगे। अमर मिट्टी और रेत में खुदाई करके उन बुतों को अपने साथ ले आया और काबा में रख दिए। उस साल हज के मौके पर अमर ने लोगों से कहा, ये तुम्हारे खुदा हैं, इनकी इबादत करो। ये तुम्हें मुश्किल वक्त से बचाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। दुश्मन के खिलाफ जंग में तुम्हारा साथ देंगे। मक्का के तकरीबन हर घर में बुत मौजूद थे। तमाम लोग घर से बाहर निकलने से पहले अपने बुत को सलाम करते, छूते, उससे अपनी हिफाजत और कामयाबी की दुआ मांगते। घर वापस आते ही वो अपने बुतों के सामने हाजिर होते और उन्हें सलाम करते। सफर के दौरान जब कहीं रात गुजारने के लिए रुकते तो चार पत्थर ढूंढते, उनमें से बेहतरीन पत्थर को खुदा बना लेते और बाकी तीन पत्थरों को खाना बनाने के लिए चूल्हे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद अरब में बुत परस्ती आम हो गई। हर कबीले का अपना खुदा था। ऐसे लोग जो बुतों की इबादत नहीं करते थे, एक खुदा पर यकीन रखते थे, उनके घरों में बुत मौजूद नहीं थे। उन्हें अरब में हनीफ कहा जाता था। इस्लाम आने से पहले के जमाने में पाए जाने वाले बुतों के मुतालिक मालूमात दिलचस्पी के लिए यहाँ बयान की जा रही हैं। मनात। अरब में सबसे पुराना बुत मनात था। इस बुत की शक्ल औरत जैसी थी। ये बहीराए आहमर के साहिल पर खुदैद के मकाम पर नस्ब था। मनात अरब के तीन बड़े खुदाओं में से एक था। सूरह अन-नज्म में इन तीनों लात, मनात और उज्जा का जिक्र किया गया है। वो लोग खुदा की बेटी के तौर पर मनात की इबादत करते थे। कबीला बनी अज़द और बनी गुस्सान मनात का हज भी किया करते थे। मनात की हाजिरी के बगैर उनका हज मुकम्मल नहीं होता था। बनी औस और बनी खजरज
हज और उम्रे का एहराम मनात के पास आकर खोला करते थे। मनात के बुत के सामने कुर्बानी करना आम था। लात, ताइफ के रहने वाले बनी सकीफ इसकी इबादत करते थे। ये बुत भी एक औरत की शक्ल का था, क्योंकि इसकी इबादत करने वाले इसे भी खुदा की बेटी तसव्वुर करते थे। ये बुत ताइफ में एक चकोर टीले पर नस्ब था और इसके ऊपर एक मकान बना हुआ था। ताइफ के लोग लात के टीले का तवाफ भी करते थे। इस टीले के करीब एक शख्स सत्तू का मशरूब बनाकर पिलाया करता था। उस शख्स के मरने के बाद उसका बुत बनाकर उसकी इबादत भी शुरू कर दी गई। उसका नाम अलात रखा गया। कुरैश भी अलात को खुदा मानते थे और रात सोने से पहले उसकी इबादत किया करते थे। अल्लाह करीम कुरान पाक में इस बारे इरशाद फरमाता है, क्या तुमने कभी लात उज्जा और उस तीसरे बुत मनात को देखा है? और क्या कभी अपने इस दावे पर गौर किया है कि तुम्हारे बेटे हैं और रब की बेटियां? ये तो बड़ी ही बेतुकी और सफाकाना तकसीम है। उज्जा अरब में तीसरा बड़ा बुत उज्जा था। उसकी शक्ल भी औरत की सी थी। उनके अकीदे के मुताबिक उज्जा खुदा की तीन बेटियों में से एक थी। मक्का से चंद किलोमीटर दूर वादी नखला में बबोल के एक दरख्त के नीचे ये बुत नसब था। बाद में अमर बिन लुहई ने ही इसका बुत बनवाकर बैतुल्ला में भी रखवा दिया। अरब के लोग हलफ लेने के लिए लात और उज्जा की कसम उठाया करते थे। जंग में भी वो इन दोनों बुतों के नारे लगाया करते थे। अबू उबैदा सईद बिन आस बनी उमैया का एक बड़ा सरदार था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बीमार हो गया। अबू उबैदा के रोब का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस रंग की पगड़ी अबू उबैदा पहनता था, मक्का में कोई और उस रंग की पगड़ी नहीं पहन सकता था। कुरान मजीद में उज्जा के बारे में आयात नाजिल हुई तो वो गुस्से में था और परेशान भी। अबू लहाब उसकी आयादत करने गया तो अबू उबैदा रो रहा था। अबू लहाब ने पूछा, कुरैश के सरदार को किस बात ने रुला दिया है? क्या मौत का डर है? अबू उबैदा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे डर है कि मेरे मरने के बाद उज्जा की इबादत नहीं की जाएगी। अबू लहाब कहने लगा, खुदा की कसम, लोग उज्जा की इबादत तुम्हारी वजह से नहीं करते। तुम्हारे मरने के बाद भी उज्जा की इबादत जारी रहेगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो। अबू उबैदा ने अबू लहाब का जवाब सुना तो खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, मुझे सुकून है कि मेरे बाद उज्जा पर जान निसार करने वाला और उसका ख्याल रखने वाला मौजूद है। उज्जा के बुत के आस पास बहुत सारे दरख्त थे। रसूलुल्लाह ने फतह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद को उन दरख्तों को काटने का हुक्म दिया। तीन दरख्त काटने के बाद एक बदशक्ल औरत नजर आई जो अपने खुदा होने का दावा कर रही थी। खालिद ने उसे तौबा करने के लिए कहा, लेकिन वो अपने दावे पर कायम रही। खालिद ने रसूलुल्लाह की हिदायत पर उस औरत को कत्ल कर दिया। हुबल, कुरैश के सबसे बड़े देवता का नाम हुबल था। अरब फाल निकालने के लिए इसी बुत के पास आया करते थे। हुबल को नस्ब करने वाले का नाम खुजैमा बिन मदरका था, इसलिए इस बुत को हुबले खुजैमा भी कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक इस बुत का असल नाम बाल था, जो मुल्के शाम का सबसे बड़ा देवता था। बाद में बाल बिगड़कर हुबल बन गया। ये सुर्ख पत्थर यानी अकीक से तराशा गया इंसानी शक्लो सूरत का बुत था। इस बुत का दायां बाजू टूटा हुआ था, जिसे कुरैश ने सोने से बनवा कर लगा दिया। अरब कोई भी अहम काम करने से पहले हुबल के सामने फाल निकाला करते थे। इस बुत के पास सात तीर मौजूद थे।
अगर फाल में वो तीर निकलता जिस पर नाम यानी हाँ लिखा होता तो अरब वो काम करते थे, अगर वो तीर निकलता जिस पर ला यानी नहीं लिखा होता तो उस काम से रुक जाते थे। एक तीर पर सरीह लिखा हुआ था और दूसरे पर मुत्तसिक। अगर किसी बच्चे के बाप के बारे में शक होता तो इन दो तीरों से फाल निकाली जाती थी। अगर सरीह लिखा हुआ तीर फाल में निकल आता तो उसके बाप की निस्बत से तमाम शक दूर हो जाते। मुत्तसिक लिखे हुए तीर की सूरत में उसका नसब हराम समझा जाता था। बाकी तीन तीरों के बारे में तारीख खामोश है। अरब जंग में हुबल की जय का नारा लगाया करते थे क्योंकि ये उनके अकीदे के मुताबिक कुव्वत और ताकत का खुदा था। वुद ये कबीला बनी कलब का बुत था जो दौमतुल जंदल में नस्ब था। वद और वुद एक ही बुत के नाम हैं। गजवाए खंदक में मारे जाने वाले अमर बिन अब्दे वुद का नाम इसी बुत के नाम पर रखा गया था। इस बुत के मानने वाले कहते थे कि हम औरतों के मोहताज नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वद जैसा अजीम खुदा है। खालिद बिन वलीद वुद का बुत गिराने गए तो देखा कि ये एक इंसान की शक्ल का बुत था जिसका कद्दोकामत इंसानों से बड़ा था। उसने अरब के अंदाज का लिबास पहना हुआ था। उसकी कमर के साथ एक तलवार लटक रही थी और कंधे पर कमान थी। एक हाथ में तीर था जबकि दूसरे हाथ में तीर रखने वाला तरकश जिसमें बहुत सारे तीर थे। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बुत परस्तों ने कहा है अपने खुदाओं को ना छोड़ो और खास तौर पर वद सुवा यकूस यऊक और नसर को तो बिल्कुल ना छोड़ो। असाफ और नायला। असाफ बुत की शक्ल एक इंसान जैसी थी। लोग इस बुत का तवाफ करते थे, इस बुत के सामने कुर्बानी भी की जाती थी। रिवायत के मुताबिक असाफ एक इंसान था और उसका ताल्लुक बनी जुरहम से था। उसका पूरा नाम असाफ बिन याला था। नायला एक औरत थी और उसका पूरा नाम नायला बिनते जैद था। नायला का ताल्लुक भी कबीले बनी जुरहम से था। ये दोनों यमन के रहने वाले थे और काफिले के साथ हज करने के लिए मक्का आए। दोनों काबा में दाखिल हुए तो वहां और कोई मौजूद नहीं था। मौका पाकर उन्होंने काबा के अंदर जिना किया। अल्लाह करीम ने उन दोनों को निशाने इबरत बना दिया। दूसरे लोग काबा के अंदर आए तो ये दोनों पत्थर के बन चुके थे। लोगों ने उठाकर इन्हें बाहर फेंक दिया। अमर बिन लुहई इन दोनों पत्थर के जिस्मों को कुछ अरसे बाद ले आया और इनकी इबादत शुरू हो गई। लोगों ने इनके बुत सफा और मरवा पहाड़ों पर रख दिए। अरब में उस जमाने में इन बुतों के अलावा सुवा यगूस यऊक नसर फलस साद जुलखलसा जुलशरा जुलकिफैन याबूब और बजर के बुतों की भी इबादत की जाती थी। बनी किनाना चांद की इबादत भी करते थे। कबीले एक दूसरे से खुदा बदल भी लिया करते थे। अगर कोई बुत टूट जाता तो लोग कहते, हाय मेरा खुदा मर गया। उस जमाने में सिर्फ बुत ही मुकद्दस नहीं थे, जानवर भी इस मर्तबे पर फायज थे। 10 बच्चे देने वाली ऊंटनी बड़ा ऊंचा मकाम रखती थी। उस पर कोई सवारी नहीं करता था और उसका दूध बुतों के रखवाले ही इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसी ऊंटनी जहां चाहे फिर सकती थी और चारा खा सकती थी। ऐसी ऊंटनी को बहीरा कहा जाता था। ऐसी ऊंटनियां भी थी जो बुतों के नाम पर आजाद छोड़ दी जाती थी। इन्हें साहिबा कहा जाता था। ऐसे ही ऊंटों को साहिब कहते थे। ऐसे ऊंट जिनके बच्चे जवान हो जाते उन्हें भी बुतों के लिए छोड़ दिया जाता था, उन्हें हाम कहा जाता था। भेड़ें भी इस निजाम में अपनी इज्जत पाती थी। ऐसी भेड़ जो 7 दफा 2 मादा और 8वीं मर्तबा नर बच्चा दे तो वो मुकद्दस होती थी। उसका नाम वजीला था और उसका दूध
सिर्फ मर्द ही पी सकते थे। अनोखी शक्ल वाले दरख्त भी उस जमाने में खुदा का दर्जा रखते थे। इन हकायक की मौजूदगी और हालात में अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तौहीद का ऐलान करने का हुक्म दिया। सैकड़ों खुदाओं की इबादत करने वालों को एक खुदा पर यकीन कैसे आता? उनके लिए बुतों के अलावा खुदा की कोई और सूरत मुमकिन ही नहीं थी। उन्हें ये भी समझ नहीं आती थी कि हर मामले में एक ही खुदा कैसे काम आ सकता है। जिंदगी भी उसी से, मौत भी उसी से, औलाद भी उसी खुदा से, और रिस्क भी, बारिश के लिए भी वही खुदा, और दुश्मन से फतह के लिए भी उसी खुदा से मदद मांगें, ये कैसे मुमकिन है? एक खुदा इतने सारे काम अकेला कैसे कर सकता है? ये उन्हें समझ नहीं आती थी। सारे सनम मिसमार कर, बस एक खुदा से प्यार कर, रख कर नबी को सामने आराइशे किरदार कर। मक्का के रहने वाले तमाम लोग अपने इस बेटे पर फख्र करते हैं। लोग इसके चेहरे का वास्ता देकर बारिश की दुआएं मांगते हैं।